अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। What the hell, मनोहर, ये क्या किया तुमने? Oh my God, I'm sorry. गया तुम्हारा गुइया के खेत में। सर मैंने इस्तीफा लिखो, अभी का अभी इस्तीफा लिखो। इस्तीफा? सर मुझसे गलती हो गई सर, वो चाय ठंडी थी इसलिए मैंने फेंक दी सर, और कुछ जला नहीं होगा सर। चाय ठंडी थी जला, ये दाग लग गए उसका मैं क्या करूँ? दाग दाग सर, मैं धो देता हूँ सर। क्या बेवकूफी है? आई एम सॉरी सर। सब छोड़, हप्पू कहाँ है? हप्पू कहाँ है? हप्पू सर वो आपके पीछे आ गए क्या? जैन साहब जो उम्र में साहब, हप्पू जी साहब, ड्यूटी के वक्त कहाँ घूम रहे थे? और ये त्यागी की फाइल कहाँ है? त्यागी की फाइल ना, अभी बता रहे कहाँ है। वह फाइल दिखाने से पहले साहब हम आपको कछु दिखाना चाह रहे, एक मिनट। ओ दादा ये याद करो फोटो, कौन टाइम की फोटो है, कहाँ से आए तुम्हारे पास, वो भी बताएंगे। असल में क्या है, एक बार आपको याद है आपके पूज्य ससुर जी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, भी हॉस्पिटल में भर्ती थी, और मैडम बिल्कुल परेशान हो रही थी कि आप कहाँ हो, आप मिल नहीं रहे थे। तब उनने हमारी सेवा लाई थी, हमसे बोली हप्पू सिंह जी रेशम पाल जी को ढूंढ के लाओ। और हम जब आपको ढूंढने गए तो हमारे पूज्य रेशम पाल जी छी अपने बीमार ससुर की सेवा करने की जगह पत्ते खेल रहा था ये इंसान। मनोहर तुम्हारा इस्तीफा वेटिंग में है। हप्पू अब ऐसा, अगर आपने हमारी हेल्प ना करी ना तो मजबूरी में जब फोटो हमें मैडम को भी दिखाने पड़ेगी। आर यू ब्लैकमेलिंग मी? यस। पर बिटिया हमें भी तो कर रही है, हमने आपको बताई थी। बाबा राहु केतु की तरह बिटिया हमारे पीछे पड़ गई है, हाथ धो के कह रही हमारे बॉयफ्रेंड को बाहर नहीं निकालोगे तो हम ये फोटो में लीक कर देंगे, हमारी बैंड बजा रही है, हमारे पिंड छोड़वाओ। अच्छा आइडिया। कानपुर सेंट्रल जेल का एक जेलर है जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कौन? एक नंबर का खड़ूस और सख्त आदमी। कोई साहब। सर आपका सर्कल एकदम वाहियात है सर। मनोहर तुम्हारा जो है इस्तीफा अभी भी मीटिंग में है। I'm sorry sir। साहब हम जान पर खेल जाएंगे, बस आपका छू रास्ता बताओ और के बद्धी के लट्टू को हम बाहर निकलवा दें। जहाँ तक मुझे याद है एक ऐसा मुजरिम था जो देश की हर जेल तोड़ कर कई बार भागा था, देश की कोई जेल कोई बैरक उसने नहीं छोड़ी थी, उसे हर जेल की एंट्री और एग्जिट पॉइंट का पता था। कौन है? और उस शातिर क्रिमिनल का नाम है मदनलाल। मदनलाल? ओह माय गॉड सर, मदनलाल तो जेल तोड़ने के लिए बहुत बदनाम है ना सर। आखिर सरकार ने परेशान होकर उसकी बीवी के आगे उसे नजरबंद कर दिया ताकि वो भाग न सके। जुजू साहब मदनलाल जो है वो कहाँ मिलेगा? मनोहर मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, मदन लाल को बुला लो। यस सर। सर आपकी पैंट सूखने के बाद जाऊं? मदन लाल क्या बात है, कितने दिनों के बाद मिले, वाह। ये बताओ कैसे हो? बस जिंदा हूँ। अरे जिंदा हूँ, जा उम्र में जान बाकी है जो का छोटी बात है साहब। नहीं, हमारा मतलब बच्चों के हम ऐसी दुआ करते हैं कि भगवान आपको और लंबी उम्र दे, ऐसी हम कामना करते हैं। आपको बहुत अनाम सुनो। सुना ही होगा, तुम्हारी तारीफ मैं पहले ही कर चुका हूँ, आज तुम्हें एक खास काम के लिए यहाँ बुलाया है। अरे कमिश्नर साहब अब तो उम्र हो गई, अब इस उम्र में क्या काम करवाओगे?
बुझता हुआ दिया जाते जाते भी रोशनी देकर जाता है। नहीं, मेरा मतलब है कि आप अपने काम में इतने माहिर हैं, तभी तो कमिश्नर साहब ने आपको सजेस्ट किया। सुबूल हम क्या कह रहे, एक सेंट्रल जेल में ना, कानपुर की बैरक नंबर 4 में एक खूंखार अपराधी नाम है बकू 9-2-11 बंद है। बकू उतरे से जेल से 9-2-11 करने हो पाएगू? बहुत लकी हैं आप, क्योंकि बैरक नंबर 4 की दीवार के नीचे सुरंग है जो सीधी कानपुर हाईवे से होकर कानपुर बॉर्डर तक चली जाती है। और तो और, मैं खुद वहां से 6 बार भाग चुका हूँ। ले, तेरा काम हो गया। ये लट। आपका काम हो गया सर। दादा लड़ में आ रहा हूँ, एक बार जो काम हो जाने दो, तेरे ढंग से काम तमाम करेंगे। अब इतना भी आसान नहीं है, उस दीवार को ठोक ठोक कर देखना पड़ेगा और जहां की ईंट ढीली होगी उसी के नीचे से सुरंग है। बहुत बढ़िया। तो दादा बाबा हम का कह रहे, आप ना बाकू हमें नक्शा बना के दे दो, वही फर्रा काम आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, है ना साहब? नक्शा बनवा लो, नक्शा। बिल्कुल। आप सब लोगों ने मुझे उल्लू समझ रखा। क्यों? अरे बगैर कुछ मिले मैं काम क्यों करूंगा भाई? अरे आपको क्या चाहिए? जो उम्र में दवा और दुआ की जरूरत है और क्या चाहिए? क्या बोले? अरे इनाम की चिंता मत कीजिए, वो अप्पू कर देगा आपको। आप तो बस जो है ये नक्शा बना दीजिए। बना दो फटाफट। साहब, जिस तरीके की ये टेढ़ी सुरंग बना रहे, उतने से वो 9-2-11 हो पाएगो? आप ही ने कॉल किया था मिलने के लिए जी। मैडम क्या करूं, मजबूर थी। नहीं नहीं, मतलब ऐसी क्या मजबूरी थी जो मतलब फोन पे नहीं बात हो सकती थी, रूबरू मिलना जरूरी था? इतनी भी क्या जल्दी, अभी तो आए हैं, पहले कुछ चाय पानी जूस लीजिए। जी जी, कुछ अपने कहिए, कुछ मेरी सुनिए। सुनेंगे। आप एक काम करिए, पहले तो जूस ही दे दीजिए, एक गिलास जूस। जी जूस बेनी बाबू जूस पिएंगे? इनको तो ऐसा पानी पिलाऊंगी ना मैं कि नानी याद आ जाएगी। धीरे धीरे पता चल गया ना, यही रायता फैल जाएगा सारा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।